4.5 साल का रिलेशनशिप था, वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया। मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्रिया सिंह नाम की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर उसे कार से कुचलने की कोशिश की। प्रिया के दाहिने पैर, कंधे और शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर भी अपनी भयावह आपबीती साझा की है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ करके, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौच हुए, उसने मेरे साथ आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या 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 आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी, मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल, मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस पहले कैसे बात कर रही है? मैंने 4 दिन पहले FIR की दर्ज की थी, जिस दिन ये हुआ था उसी दिन इन्फेक्ट किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है, आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है। यह भयावह घटना 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के ठाणे में हुई थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना घोटबंदर रोड पर एक होटल के पास सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे हुई। यहां महिला अश्वजीत गायकवाड़ से मिलने पहुंची थी, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बाद में जब पीड़िता कार से उतरकर जाने लगी तो वाहन चला रहे व्यक्ति ने उसे कुचलने की कोशिश की, जिसके कारण वह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट का बेटा अश्वजीत गायकवाड़ है। ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 11 दिसंबर 2023 सुबह 3 से 4 बजे घोड़बंदर रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, इनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ। बाद में पीड़ित हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई। उसके बाद कासारवाड़ पुलिस स्टेशन ने उनका सविस्तर बयान नॉन किया है, उसके आधार पर पुलिस स्टेशन कासारवाड़ी में भादवी कलम 279-338-323-504-34 धारा के अनुसार गुना दाखिल हुआ है, उसके बारे में कासारवाड़ी पुलिस स्टेशन आगे का तपास कर रही है। लड़की ने काफी सारे आरोप किए हैं, तो किस प्रकार से आगे तपास रहेगा? महिला पुलिस अधिकारी भी तपास में लेते गए हैं। पीड़ित महिला ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट के आधार पे वाड़ावली पुलिस स्टेशन आगे का इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करेगी।